हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिंकू नाटा एंड वेलकम टू माय चैनल रिंकूज किचन। आज हम बनाएंगे प्रीमिक्स, पोहा और उपमा का प्रीमिक्स बनाएंगे, जो कि एक हम लेडीज को घर में एक हेल्पिंग हैंड हो जाता है। चाहे बच्चे हॉस्टल में पढ़ते हो, चाहे बिगिनर्स हो, चाहे आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, तो ये बहुत ही आसान हो जाता है एक प्रीमिक्स बना के रखने से। आप देखना कैसे 5 मिनट से 8 मिनट के बीच में हम पोहा और उपमा फटाफट रेडी कर देते हैं। हम आपको जितनी क्वांटिटी में चाहिए आप ये प्रीमिक्स बना के रख सकते हैं। और ये लॉकडाउन में वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो सुबह सुबह किचन में टाइम नहीं मिलता है, तो ये काफी आसान हो जाता है। चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, ये कोई भी एक आसानी से अपना खुद का नाश्ता बना सकता है। और सिर्फ थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करने से पूरा नाश्ता तैयार हो जाता है। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं प्रीमिक्स बनाने। पोहा प्रीमिक्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर गैस ऑन कर दिया है, पैन रख दिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के घी, और इसमें डालूंगी मैं 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून राई। जीरा स्प्लेटर हो गया है, इसमें डाल रही हूँ मैं थोड़ी सी हींग। अब इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून सौंफ, एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा करी पत्ता ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करके इसे हल्का सा हिला देंगे। और इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून जितना दालिया और शिंगदाना। इसमें डालेंगे 1 कप पोहा। पोहा वही जाड़ा पोहा लिया है जिसका हम कांदा पोहा बनाते हैं, और इन सबको अब अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से इसको मीडियम आंच पे हिलाते रहेंगे ताकि सारा मॉइस्चर उड़ जाए, इसका सारा मॉइस्चर निकल जाए। इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा धनिया, और जाएगा इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी शक्कर के दाने स्वाद के अनुसार। और बस इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इसका, जब तक पूरा मॉइस्चर उड़ नहीं जाए तब तक हम इसे ऐसे ही चलाते रहेंगे करीब 1 मिनट तक। ये पूरा ड्राई हो जाए मिक्सचर तब तक, क्योंकि हमें इसे फिर स्टोर करके रखना है आगे चल के। इसमें डालेंगे थोड़ा सा नींबू का रस और अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 मिनट हो चुका है इसे रोस्ट करते हुए, और ये अच्छे से रोस्ट हो चुका है। अब गैस को करते हैं बंद और इसे एक प्लेट में हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। उपमा का प्रीमिक्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप रवा। गैस ऑन कर दिया है, पैन गरम हो चुका है, और इस रवे को हम अच्छे से सेक लेंगे, अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। ये रवा कच्चा है क्योंकि हमें इसे बाद में स्टोर करना है लंबे समय तक, तो इसे हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। ये रवा हमारा अच्छे से सिक चुका है और इसे मैं एक प्लेट में निकालती हूँ। हमने हमारा रवा सेक के साइड में रख दिया है और अब हम हमारे आगे के स्टेप पे चलेंगे। तो गैस ऑन कर दिया है, पैन रख दिया है, पैन गरम हो चुका है, और इसमें डाल रही हूँ मैं 1 बड़ा चम्मच घी, और इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून राई और 1/2 टीस्पून जीरा, और इसमें जाएगी थोड़ी सी हींग। इसमें डालेंगे 1 हरी कट्टी ग्रीन चिली और 1/2 टीस्पून जितना अदरक, और जाएगा थोड़ा सा करी पत्ता। एक टीस्पून उड़द दाल, एक टीस्पून शेंगदाना और चना की दाल, और 6 पीस काजू। और इन सारी चीजों को हम
स्लो से मीडियम आंच पे अच्छे से सौते करेंगे। इसमें जाएगा थोड़ा सा धनिया और अब इसमें डालेंगे रवा जो हमने सेक के रखा है साइड में और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी शक्कर, ये आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। और आखिर में डाल रही हूँ मैं आधा टीस्पून हल्दी, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको अगर उपमा बिना हल्दी का पसंद है तो आप हल्दी मत डालिए। और इसमें जाएगा थोड़ा सा नींबू का जूस और इसे अच्छे से हम रोस्ट कर लेंगे ताकि इसकी नमी पूरी सूख जाए। ये सारी चीजें मैंने अच्छे से रोस्ट कर ली है करीब एक मिनट तक स्लो आंच पे और अब इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में, गैस बंद कर दिया है और एक प्लेट में निकालते हैं इसे ठंडा होने के लिए। ये देखिए ये मैंने दोनों प्रीमिक्सिक्स हमारे रेडी करके रखे हैं, एक ये है उपमा और एक ये है पोहा, तो ऐसे जार में भर के आप स्टोर कर सकते हैं। बाहर ये हफ्ता भर तक रहते हैं और फ्रिज में आप स्टोर करोगे तो कम से कम 15 दिन तक ऐसे ही रहते हैं ये। और आप इसे ट्रैवलिंग में यूज करना चाहे या अपने बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं तो उनको आप अगर भेजना चाहे तो ऐसे जिप पाउचेस में भर के भी आप स्टोर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे, अब मैं बताती हूँ आपको इसे बनाना कैसे है। हमें यहाँ पर ऐसा उबलता हुआ पानी लेना है, सबसे पहले तो हम ये पानी उबाल के ले लेंगे, इतना बॉइल होना चाहिए। चलिए तो मैंने यहाँ पर गर्म पानी ले लिया है और ये मैंने ग्लास का कंटेनर लिया है और मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी कि आप ग्लास का या स्टील का कंटेनर ही है, प्लास्टिक का नहीं ले। और इसमें हम डाल रहे हैं हमारा एक कप पोहा प्रीमिक्स और इसके साथ हम माप से डालेंगे एक कप पानी, गरम पानी सेम प्रोपोर्शन लेंगे हम लोग, जितना पोहा लिया है उतना ही हम गरम पानी लेंगे और इसे हम सोक करने के लिए छोड़ देंगे कम से कम 5 से 8 मिनट तक। और इसे हम कम से कम 5 से 8 मिनट तक साइड में रख देंगे, फिर इसे खोलेंगे। और अब हम उपमा का करते हैं, तो यहाँ पर मैंने ये रवा हमारा रोस्ट किया हुआ एक कप ले रही हूँ, ये मैं आपको दूसरे बर्तन में भी बताती हूँ, ये कांच के बाउल में लिया है मैंने, इसमें डाला मैंने एक कप रवा सेका हुआ। अब सेम हमें करना है, इसमें भी एक कप लिया है तो हम इसके साथ गर्मा गर्म पानी डालेंगे 2 कप भर के, ये एक कप, ये 2 और बस इसे हम ऐसे ढक के साइड में रख देंगे। अब इसे भी हम 5 से 8 मिनट के बाद चेक करेंगे। चलिए हमारी कम से कम 8 मिनट हो गई है, मैंने इसे 8 मिनट तक रखा था और ये आप देखेंगे ना तो इसमें ऊपर ऐसी भाप जैसी बन गई है, तो ये आना जरूरी है। अब हम चेक करते हैं, ये हमारा पोहा था और ये देखिए ये हमारा खिला खिला सा पोहा तैयार है, गर्मा गर्म नाश्ता। आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि ये आपने अभी अभी पानी में भिगो के बनाया है। चलिए अब हम हमारा उपमा चेक करते हैं, ये देखिए वाओ खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। चलिए देखते हैं हमारा उपमा, वाओ बहुत अच्छे से पानी सोख लिया है रवे ने और खुशबू तो इतनी बढ़िया आ रही है जैसे हमने अभी अभी कढ़ाई से बना के उतारा हो। देखिए एकदम खिला खिला सा बहुत अच्छा उपमा बन गया है, तो देखा आपने कितना झटपट से सिर्फ 8 मिनट में इसे सोख करके रखा हमने और हमारा उपमा तैयार है। लीजिए हमारा बढ़िया सा नाश्ता मिनटों में तैयार है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, दिल से अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और फिर मिलेंगे ऐसे ही कोई नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।